वेलकम स्टूडेंट। चलिए प्रीवियस ईयर्स के कुछ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, 5 से 10 मार्क का आता है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालने कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है। तो पहला है फ्लूमॉक्स, FLUMMOX, डिस्क्वाइट DISQUITE, बट ट्रू PERTRUB, BMUUSED। तो यहाँ से आपको देखना है कि कौन सा वर्ड सही है, स्पेलिंग सही है। तो यहाँ पे सही है फ्लूमॉक्स, FLUMMOX। इसका मतलब है किसी को इतना कंफ्यूज कर देना कि उसको पता ही नहीं चले उसको क्या करना है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, एबहोरेंस, डिटेस्टेशन, एसरेज, एवर्शन। अब स्पेलिंग देखिए, एबहोरेंस ABHORENCE, डिटेस्टेशन DETESTASION है यहाँ पे, ECERAGE, एसरेज, AVERSION। तो यहाँ पे जो करेक्टली करेक्ट वर्ड है, स्पेल्ड वर्ड है, वो है एवर्शन। इसका मतलब किसी के ऊपर स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब उसके बातें अच्छा ही नहीं लगे। मिसकंडक्ट, मैलफेशंस, स्प्लेंटिक, डाइसेप्टिक, MISSCONDUCT, MALFEASANCY, SPLENTIC, DYCPEPTIC। तो इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है मैलफिशंस। मैलफिशंस का मतलब किसी को अच्छे से व्यवहार ना करे, मतलब नहीं करना, ठीक है, उसको कहते हैं मैलफिशंस। करेक्ट स्पेल वर्ड्स, डिसेंट, एब्सॉर्ड, इम्पीडेंट, डिसेंशन, DISCENTAFSORD, IMPEDENT, DISSENSION, डिसेंशन। इसका वर्ड्स ये भी है कि आप जब एग्जाम में जब बैठेंगे तो इस वर्ड्स को ना आप लिखेंगे, जैसे डिसेंशन, DISCEN, ऐसा कुछ ऐसा करके लिखेंगे। क्या कौन सा रॉन्ग है, क्योंकि अब हम लोग का जो मेमोरी है, तो अगर हम लोग ये वर्ड को बिना देखे लिख देते हैं तो वो करेक्ट स्पेलिंग आ जाता है ना। जैसे आपका मेमोरी पावर में अभी डिसेंशन, DISENSION, मतलब किसी डिसएग्रीमेंट होता है, तो आप ये वाला लिख के अगर प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम हॉल में आपका ये गलती होने का चांसेस एकदम नील हो जाएगा। कॉन्ग्रस, एक्सीडेंटली, कॉन्ट्रिव्ड, इनअप्रोप्रिएट। एक्सीडेंटली, जैसे यहाँ पे एक्सीडेंटली होता है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे होगा कॉन्ट्राइव, CONTRIVED। कॉन्ट्राइव का मतलब होता है कोई आर्टिफिशियल या फिर बहुत ही डिफिकल्टी इन बिलीव। जैसे हम बोल सकते कि कोई भी चाइना का मोबाइल हम लोग बहुत मतलब कम बिलीव करके वो खरीदते हैं, या तो चाइना का मोबाइल आज तक, नहीं तो चांद तक। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बिलीव, इंज्यूर, पुट, रिहेबिलिटेट, BEL, देखो आई और ई को रिप्लेस कर दिया है, इंज्योर, पुट, रिहेबिलिटेट, BI, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हो गया पुच। पुच का मतलब होता है गुस्से में आके कोई एक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देना, मतलब सरकार गिरा देना। इनइविटेबल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक एग्जाम में आता ही है और इसी पैटर्न में आता है। इनइविटेबल, EVETABLE, ये देखिए INIVI, INEVETABLE, INEVITABLE, INNVITABLE। तो इसका है INEVI, जो EVI होगा वो होगा करेक्ट। इनइविटेबल मतलब सर्टेन, वो होगा ही, ठीक है। थैंक यू।